वेलकम बैक टू माय चैनल अनम दानिश व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो गाइस, आज मैं जा रही हूँ चांदनी चौक ओमेक्स मॉल। देखते हैं अभी वहाँ जाकर के वो खुला हुआ है या नहीं, क्योंकि अभी रात हो चुकी है, 9:30 बज रहे हैं, तो हमें उसकी टाइमिंग तो पता नहीं है कि कब ऑफ होता है वो। तो अभी जाकर देखते हैं, अगर खुला होगा तो वहाँ जाएंगे, वरना तो चांदनी चौक पे ही सही होकर आ जाएंगे। तो अभी तक मैं दानिश का वेट कर रही हूँ, दानिश नहीं आए। गाइस, दानिश आ जाएँ और फिर उसके बाद हम निकलेंगे, और आगे का आपके साथ सब कुछ शेयर करूँगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि आपके पास सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। और देखते हैं वहाँ जाकर, और सब कुछ आपके साथ आगे का दिखाती हूँ। तो गाइस, दानिश आ चुके हैं और वो रेडी हो गए हैं। ये रहे दानिश। हेलो दानिश। हाँ जी, कैसा लग रही है आज? तो गाइस, आज ये मुझे इतने दिनों के बाद कहीं लेके जा रहे हैं बाहर, वरना ये मुझे कहीं नहीं लेके जाते। ऐसे करते हैं, अकेली घूमती हूँ मैं, यहाँ पर भी घूमती हूँ मैं, अकेली घूमती हूँ। गाइस चलते हैं, इतना लेट करवा दिया है इन्होंने। 10 बज चुके हैं, देखिए 10 बज चुके हैं। हम दिल्ली वाले हैं, दिल्ली वाले रात तक जाते हैं। तो गाइस, हम लोग निकल चुके हैं रास्ते में, और यहाँ पर भीड़ देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा हो रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हर टाइम रश रहता है। गाइस, हम लोग पहुँच चुके हैं ओमेक्स चौक। तो अभी हम जा रहे हैं पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने के लिए जा रहे हैं। देख सकते हैं काफी बड़ा मॉल बनाया है। तो गाइस, हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं। दानिश गाड़ी खड़ी कर रहे हैं, और ये देखिए पार्किंग भी यहाँ पे कितनी बड़ी एरिया में बना रखी है। क्या ब्लॉग? तो चलते हैं, इधर से जाएंगे। चलो देखिए गाइस, दानिश दोनों बच्चों को आगे ले जाते हुए, और अब हम यहाँ से एंट्री कर रहे हैं मॉल के अंदर। बहुत अच्छा लग रहा है मॉल तो। बहुत स्लो चल रहा है एक्सकलेटर तो। गाइस, हम फर्स्ट फ्लोर पर आ चुके हैं। दानिश तो एक बार पहले भी आ चुके हैं, लेकिन मैं फर्स्ट टाइम आ रही हूँ। जैन, जैन हाय हाय बोलो। एमू, देखिए कितनी प्यारी जगह है। मुझे तो ऐसी जगह बहुत पसंद है दानिश। और इस टाइम हवा देख सकते हैं गाइस, इतनी प्यारी चल रही है ना, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। तो गाइस, फाइनली हम आ चुके हैं मॉल के अंदर। आप बना दो। यहाँ क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, तो आज मुझे कुछ नया कॉन्सेप्ट यहाँ देखने को मिला, तो मैं दिखाता हूँ आपको भी। सो गाइस, आप देख सकते हैं इस टाइम यहाँ पर हम जो आए हैं, सेकेंड टाइम में आया हूँ, तो यहाँ पर एक न्यू चीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिली है, जिसके अंदर ओमेक्स चांदनी चौक की आपको यहाँ पर एक बेहतरीन सीट जो चमकाती हुई मिलती है रेड कारपेट की तरह। तो मैं आपको ये दिखाऊंगा ऊपर की सीलिंग, यहाँ की सीलिंग बेहतरीन व्यू के साथ रहने वाली, और सामने हमारा दावतपुर सिटी फूड। तो असल चीज़ें जो हैं वो सेकंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर है, जिसमें रेड जोन, ग्रीन जोन, येलो जोन, काफ़ी जोन यहाँ पे मौजूद हैं। और अगर सेफ्टी की बात की जाए तो ज़बरदस्त यहाँ पर सिक्योरिटी है, और ये सब हमारे लिए खड़े हुए हैं। तो आप देख सकते हैं सबको चेक करके भेजा जाता है, और सामने व्यू चलिए हमारे लाल किला, रेड फोर्ट यानी, और जामा मस्जिद वगैरह का। और उसके अलावा यहाँ पर नम मौजूद हैं। जैन, जैन कैसा लग रही है यहाँ पर आके, आपको मज़ा आया? तो जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पर हमारे मौजूद हैं जो ज्वेलरी वगैरह की शॉप्स हैं वगैरह हैं, और जो लहंगे वगैरह हैं सामने हमारी वहाँ पर लगती हैं पेड़ें। तो
गाइस पिछले मेरे ब्लॉग में थी यहाँ की इन्फॉर्मेशन और यहाँ पर हमारा फैमिली ब्लॉग इस टाइम चल लिया है और आप देख सकते हैं ज़बरदस्त व्यू। तो असल जो चीज़ है वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। देखो हमारी जो स्टार्टिंग है ना यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर से शुरू होती है और यहाँ से पैदल चलना पड़ेगा क्योंकि एक्सीलेटर यहाँ का बंद हुए भाई। आराम से एक्सीलेटर बंद है, बाकी स्टार्टिंग जो हमारी ओल्ड दिल्ली 6 की यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। हम आ चुके हैं सेकंड फ्लोर पर और यहाँ है फूड कोर्ट। तो हम आए हैं रेड जोन में, तो ये है रेड जोन। और कितने हैं यहाँ पर रेड है, ग्रीन है और येलो है। तो ये देख सकते हैं आप कितनी बड़ी स्पेस में बना रखा है ये। और अभी यहाँ कोई नहीं है, पब्लिक बहुत कम है यहाँ पर। पब्लिक अभी इस टाइम बहुत कम है क्योंकि टाइम 10:30 हो रहे हैं और यहाँ क्या ऑफ होने का जो टाइम है ना वो 11 बजे तक का है। तो गाइस हम लोग फूड कोर्ट में आ चुके हैं। तो गाइस यहाँ बच्चों को बिठा दिया है। अब हमने ब्लू जोन, देखो ये ब्लू जोन है, ये ब्लू कलर के हमारे लैंप है और ये ब्लू जोन है। और हमने अपना ऑर्डर करा है सामने वाओ चाइना के अंदर, जिसमें कॉम्बोस वगैरह काफ़ी रहते हैं, बहुत अच्छे रहते हैं। जैन अमू कैसा लग रहा है आपको यहाँ आकर, ये बताओ? समर वेकेशन होगा ये, तो इसलिए आज ये पार्टी लेने के लिए यहाँ पर मॉल के अंदर आए हैं। तो कैसा लग रहा है यहाँ पर आने के बाद? तो गाइस आप लोग भी यहाँ पर विजिट करें, बहुत अच्छा मॉल है, काफ़ी सुकून है। मुझे ऐसी जगह ज़्यादा पसंद होती हैं जहाँ क्राउड कम होता है। दानिश, मेरे को तो लग रहा था मैं आ नहीं पाऊँगी यहाँ पर क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा था ना, मुझे लगा शायद से बंद हो गया होगा, लेकिन खुला हुआ था। अभी तो है आधा पौन घंटा है इसे बंद होने में। दानिश पिछली बार अकेले आए थे गाइस, मुझे नहीं लेकर आए थे ये, क्योंकि मैं गई हुई थी अम्मी के यहाँ, तो इसलिए अकेले आए थे। गाइस अभी हमने एक कॉम्बो ऑर्डर किया है वाओ से, वाओ मोमो से। तो अभी हमारा ऑर्डर आ जाए, फिर मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि कैसा है। तो गाइस पिछली बार इन्होंने, दानिश ने व्लॉग बनाया था इनका, तो इन्होंने मिलने के लिए बुलाया है सागर रत्ना। और हमने यहाँ से ऑर्डर किया है, तो अभी हम वेट कर रहे हैं, अभी ऑर्डर आ जाए। गाइस स्पेस देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा है। तो गाइस हमारा ऑर्डर हो चुका है रेडी, तो दानिश लेने गए हैं। मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ, आने से पहले मैंने नेकलेस पहना, वो भी टूट गया मेरा। मैं जब भी कहीं जाती हूँ ना हमेशा मेरे साथ ऐसे ही होता है। और दानिश इधर लेके आ चुके हैं। तो गाइस ये आ चुका है हमारा कॉम्बो, मोमोज, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक वगैरह। दानिश कैसा है? तो अच्छा है, टेस्टी है, थोड़े जो क्या करूँ उससे झूठी तारीफ नहीं होती। लेकिन गाइस अच्छे हैं मोमोज, अच्छे हैं, टेस्टी है। और हमारे हेमू और जैन को पसंद आ गई तो बस सही है। कैसा है? बढ़िया है। नहीं मजे के, मजे के पतले नहीं है गाइस। मैं मजाक कर रही थी कि अच्छे नहीं है, लेकिन पहला बाइट खाया था ना तो इसलिए मुझे अजीब से लगे थे, लेकिन काफ़ी स्पाइसी है, मज़े के हैं। तो गाइस आप लोग भी आ सकते हैं यहाँ पर, विजिट कर सकते हैं आप यहाँ पर आकर, बहुत मज़े का है खाना। बर्गर भी दानिश कह रहा है अच्छा है ना। तो सबसे अच्छी बात इसमें जो है ना लेयर जो है ना इसकी ज़्यादा हैवी नहीं है, बहुत अच्छी है। एमू नीचे बैठ के खाओ, एमू ने बर्गर, एमू को बर्गर तो दो दानिश, और दे दो, मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि बर्गर। तो गाइस यहाँ पे नॉन वेज भी है, लेकिन हमने तो वेजिटेरियन ही लिया है।
तो यहाँ पर दानिश अपना क्या खा रहे हो? मोमोस बर्गर बर्गर इंजॉय कर रहे हैं। और जैन को कोल्ड ड्रिंक बहुत ज़्यादा पसंद है। बहुत सारे तरह के यहाँ पे कॉम्बो है, उन्होंने पहले पूछा था ये वेज लेना या नॉन वेज, तो हमने। और यहाँ पर मुस्लिम्स भी काफ़ी आ रहे हैं, तो बहुत आते हैं। और ईद के दिनों में तो मैं इसलिए नहीं आई थी गाइस, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड था, उस टाइम में बहुत ज़्यादा क्राउड चल रहा था, इसलिए मुझे मैं आई नहीं थी। जब अब सही है, यहाँ पर भीड़ कम है। वैनू हाय, वैनू आप कहाँ कहाँ जाओगे छुट्टियों में? नानी के तो वैनू को जाना है नानी के घर और इंडिया गेट, बस दो जगह जाना है। दोबारा बोलो जैन जो आपने अभी बोला। चीज तो बढ़िया है। तो आप मेरे व्यूअर्स से कुछ कहना चाहते हो? लाइक करो, ओके। तो गाइस आप लोग भी आए ये कह रहे हैं और इंजॉय करें। तो गाइस मैं खा रही हूँ बर्गर, इसकी टिक्की काफ़ी क्रिस्पी है। मुझे वेज बर्गर ना ज़्यादा पसंद नहीं है गाइस, मैं चिकन बर्गर खाती हूँ, लेकिन दानिश ने इतने प्यार से दिया है, मैं मना नहीं कर पाई ना। इसके अंदर भी एक जो है ना भरी हुई स्टफिंग प्याज वगैरह की टिक्की में। तुम पहले कोल्ड ड्रिंक पियो। तो दानिश ये कितने फ्लोर है? ये सिर्फ फर्स्ट और सेकंड फ्लोर बुला हुआ है, अभी बाकी का बन रहा है। नहीं, ऊपर जो इसकी पार्किंग दी गई है थर्ड और फोर्थ के ऊपर। तो हम ऊपर से आए नीचे? नहीं, हम नीचे से। नीचे भी पार्किंग और ऊपर भी है, तो दोनों साइड से पार्किंग है। और पार्किंग भी कितनी बड़े एरिया में बना रखी है। नहीं नहीं, मुझे ऐसी चीजें पसंद नहीं आती, डोसा सांभर इडली। गाइस ओनली चिकन पसंद है, चिकन फ्राई पसंद है। गाइस देखिए इधर ग्रीन जोन है, हम ब्लू जोन से इधर आए हैं, यह है ग्रीन जोन। यहाँ पे अलग होगा खाना है ना? शायद नॉन वेज और वेज का हिसाब होगा। तो गाइस यहाँ पे भी फूड कोर्ट है, ये भी वांगो पिज्जा हट। तो दानिश आगे जाते हुए जैन और एमू को लेकर, मुझे ऐसी जगह तो दानी बहुत ज़्यादा पसंद है। टाइम लेकर के यहाँ पर सोफ्ता मिले ताकि पूरी डिटेल में बता भी सके और फैमिली को कंप्लीट भी कर सके। बहुत जबरदस्त यहाँ पर चीज़ मौजूद है, यहाँ पर चाट वगैरह होगी। क्या दिखाओगे? चलो यहाँ पर दो देशी आप देख सकते हैं, स्वाद मेरे भारत का। भारत का तो अंकल जी हमारे यहाँ पे मौजूद रहे थे, तो लास्ट टाइम है बनोने का, तो यहाँ पर आपको पैन के अंदर पिज्जा दिखाते सारे ब्लॉक के अंदर भी, बाकी हमारे यहाँ भी मौजूद है, यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर भी बहुत ही स्वादिष्ट और बिल्कुल नेचुरल तरीके से यहाँ पर इसको बनाया जाता है और सर्व किया जाता है। अभी आपको एक चीज़ टेस्ट कराएंगे, जैसे तो प्रूव कर दिया। अच्छा,
गाइस यहाँ पर दानिश की बहुत लोगों से जान पहचान हो चुकी है क्योंकि एक बार पहले आके पूरा फुल व्लॉग बना के लेके गए हैं यहाँ का। आप उनके चैनल पर जाकर देखिएगा। एक चीज़ मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ, हमारे अंकल जी की शॉप पे यहाँ पर आप सेकंड फ्लोर पे विजिट कर सकते हैं और वेज के अंदर दलिम हमारी यहाँ मौजूद है, तो बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ की दलिम देने वाली है। तो देखिए बच्चों को भी फ्रूट ही दिए अंकल ने, थैंक यू अंकल। तो भैया मोहब्बत है हमारे बड़ों की, मोहब्बत करते हैं। मैं हकीकत बात तो बता दूँ, मैं आज तक मैं कहीं कहीं नहीं खाता आपको सबको मालूम है, लेकिन इतने मोहब्बत से सब केयर करने हमारे, तो मना नहीं करने का दिखा रहा मेरा, मैंने पौधा थैंक यू बोलो सर। ये सबसे मेन दलीम का मैं आपको पास से दिखाना चाहता हूँ उसका व्यू क्या रहने वाला है। तो गाइस देखिए ये वेज दलीम है, तो इसको जैसे हमारे में होती है नॉन वेज, तो ये है वेज दलीम। कैसी है देखिए, ये समझने लग नहीं दिया कि ये वेज है। बहुत ही जबरदस्त इसका टेस्ट है और इसका टेस्ट हम एमओ को भी कराएंगे। कैसी लगी, कैसी है, मज़ा आया? तो सबने रिव्यू दिया है राइड का, तो फैमिली ब्लॉग है तो पूरी फैमिली ने राइड का ब्लॉग दिया है और थोड़ा सा टेस्ट करेंगे अब हम अपने अनंत खान को देखें। समझ लें बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है और इसका टेस्ट ये भी करके बताएंगी, क्योंकि आपको मालूम है ये वेज तो खाती नहीं है, लेकिन अब बताएंगे इसका टेस्ट कैसा रहे यहाँ का। नहीं गाइस बहुत मज़े की है, बहुत मज़े की है, बिल्कुल लग नहीं रहा कि वेज है, बिल्कुल नॉन वेज के इसमें मज़ा आ रहा है और काफ़ी स्पाइसी है गाइस, स्पाइसी बहुत ज़्यादा यम्मी है। तो आप सेकंड फ्लोर पे आएंगे और मैं फिर से बैक साइड से या फ्रंट साइड से हम दिखाएंगे, दिखाओ दिया स्वदेशी पिज्ज़ा के नाम से है इनकी शॉप। तो गाइस आप लोग यहाँ विजिट करें और आप भी वेज दलीम का स्वाद ले सकते हैं और अंकल का नेचर बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो आप लोग ज़रूर विजिट करें। तो दानिश अपनी दलीम इंजॉय करते हुए, तो मैं थोड़ा सा करीब से दिखाना चाहूँगा, ये दलीम एक नंबर। और तो देखिए गाइस स्वदेशी पिज्ज़ा के नाम से है अंकल की शॉप, आप यहाँ पर ज़रूर विजिट करें, सेकंड फ्लोर पर है। जो हमारा येलो जोन है ये यहीं पर ही मिलेगा, जिसके अंदर ये आपको स्टार्टिंग आप करेंगे तो पहले रेड जोन आएगा फिर येलो जोन, तो फिर दिखाते हैं आगे का व्यू बाकी एक दफ़ा और इधर आऊँगे लास्ट के अंदर अपने, तो फिर मुलाकात होगी आपसे। तो मैं सबको यही कहूँगा कि आप यहाँ पर विजिट करें, लो प्राइस में बिल्कुल ओरिजिनल वैरायटी आपको जो पुरानी दिल्ली छः को दर्शाती है वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो चलते हैं आगे और थोड़ा सा आगे अपना करते हैं। ओके अंकल थैंक यू। गाइस यहाँ की जगह बहुत ज़्यादा अच्छी है, ये प्लांट्स वगैरह जो लगे हुए हैं ना ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। दानिश तो अंकल जी से ही बातें कर रहे हैं। सो इस टाइम सोखता हो रही है, कैसा लग रही है? अच्छा लग रहा है, मुझे ऐसी जगह तो पसंद है जहाँ सोफ्ता और कोई ना हो जहाँ सोफ्ता और कोई ना हो। इधर से है ना वो एग्जिट इधर से है। चलो अभी भी हैं लोग, तो अभी टाइम नहीं हुआ ना अपने दोनों का। हाँ गाइस देखिए यहाँ पे कितनी प्यारी सी इंटीरियर डिजाइनिंग हुई हुई है। साथ में हमारे बच्चे मौजूद जैन अली अहमदी, तो बैक साइड के कैमरे का यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा क्या इंटीरियर रहने वाला है। देखो जी
पीछे बड़ा खूबसूरत यहाँ पे झाड़ मौजूद है हमारा जो, और पीछे की सीलिंग यहाँ से बिल्कुल पीछे की तरफ से साफ नज़र आ सकती है ना भाई। सीलिंग कितनी अच्छी लग रही है, बहुत ज़्यादा मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। जब भी हमारा कहीं कभी आउटिंग का दिल करेगा ना, हम यहीं पर आएंगे। हमारे घर से करीब भी है और बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा है मेरे को यहाँ आकर। तो व्लॉग कहीं यहाँ पर करेंगे, कैसे करेंगे? नहीं अभी नहीं करो, अभी थोड़ा सा और बना, अभी थोड़ा सा और बनाएंगे नीचे चल के और फिर करेंगे व्लॉग का अपना एंड। नो फ्रूटी तो फिनिश करो, पेट फट जाएगा। नहीं नहीं फिर मत पियो, चलिए। सुकून ही सुकून है चारों तरफ। यहाँ KFC भी है, हल्दीराम है, पिज्जा हट है, हर चीज यहाँ मौजूद है। तो ये देखिए ये हल्दीराम भी मौजूद है और दानिश बहुत आगे जा चुके हैं गाइस। हाँ तो अभी हैं यहाँ पर लोग, फिर भी थोड़ा बहुत टाइम हो रहा है, 11:15 हो रहे हैं। अरे दानिश तुम इसे छोड़ के भाग गए। तो गाइस दानिश मुझे छोड़ के जा चुके हैं नीचे और मैं जा रही हूँ नीचे दानिश का पीछा करती हुई। मुझे छोड़ के आ गए तुम। ये वाला जो एक्सीलेटर है ना ये बंद है, तो गाइस हमें ऐसे उतरना पड़ेगा इस पे से। दानिश बच्चों को उतार रहे हैं और हेमू डर रहा है तो उसे डांट भी रहे हैं। हेमू सोच रहा है कभी ऐसे रुके रुके एकदम से चल पड़े तो इसलिए वो डर रहा है। हाँ नहीं वो सोच रहा है ये रुके रुके कभी एकदम से स्टार्ट हो जाए। तो गाइस हम नीचे आ चुके हैं। तो गाइस नीचे शोरूम्स वगैरह बने हुए हैं, अभी तो फिलहाल सब बंद हो चुका है। तो आज कैसा लगा यहाँ पर आना? मुझे बहुत मजा आया। तो गाइस बड़ा जबरदस्त टाइम यहाँ पर शॉप का हो चुका है और बाकी मजा बहुत आया, आने के बाद बहुत मजा आया। लेकिन क्या है कि अब शॉप तो हो चुका है और सब यहाँ से एग्जिट हो रहे हैं और जा रहे हैं बाहर। तो गाइस आप लोग यहाँ का व्यू देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है और सामने ही गुरुद्वारा है। तो टाइम की बड़ी पंचुअलिटी है यहाँ पे और जैसे कि 10:48 हो गए हैं और क्लोज हो गया है, सब चीज़ें बंद हो चुकी हैं और हम जा रहे हैं पार्किंग के लिए। बाकी तो हम आ चुके हैं पार्किंग एरिया में, दानिश गाड़ी ले आए उसके बाद हम जाएंगे। पी लो, पापा को दे दो। हम आ चुके हैं लाल कुएं पर, मुझे यहाँ की कुल्फी बहुत ज्यादा पसंद है तो अब हम कुल्फी खाएंगे उसके बाद ही जाएंगे घर। दानिश गए लेने के लिए। गाइस मेरा बचपन यहीं पर से गुजरा है, यहीं पर से सॉरी यहीं पर ही गुजरा है गाइस मेरा बचपन। सानू खड़े हुए हैं कुल्फी का वेट कर रहे हैं। हाँ सानू आमू इधर बैठे हुए हैं। दानिश लेके आ चुके हैं कुल्फी। गाइस मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है यहाँ की कुल्फी, मैं बचपन में डेली खाती थी यहाँ की कुल्फी, मुझे इतनी पसंद है। और मैं जब भी यहाँ से गुजरती हूँ ना मैं रह नहीं पाती कुल्फी खाए बगैर। थैंक यू। तो गाइस यहाँ की कुल्फी इतने मज़े की है मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे कहीं की भी कुल्फी पसंद नहीं है यहाँ की कुल्फी के अलावा, मुझे यहाँ की कुल्फी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। क्रंची बन गया कुल्फी में, कुल्फी में क्रंची बन गई है, इसके अंदर पिस्ते हैं।
मैं बचपन में डेली खाती थी, मैं इधर ट्यूशन जाती थी ना, मैं आते में खाती थी। 40 साल पुरानी शॉप है, बचपन में भी खाती थी अपने, तो आज 40 साल हो गए इस बात को, तो 40 साल पुरानी कुल्फी की जो देने वाली। आप क्या कहना चाहते हैं? 40 साल की उम्र है तो ये कहना चाहता हूँ, 40 साल की उम्र है तो ये खा लें, उसके बाद हम घर जाएंगे। तो गाइस हम लोग घर आ चुके हैं, तो सोचा वीडियो का एंड कर देती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना और वीडियो को बहुत सारा प्यार दिखाना गाइस। गाइस नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के लिए बहुत जल्दी लेके आऊँगी, जब तक के लिए दुआओं में याद रखिए और खुश रहिए और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें, मेरी इंस्टा की आईडी है अनम दानिश। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।